आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम जुबानी वार पलटवार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि चौथे चरण के लिए आज वोटिंग जो है वो संपन्न हो चुकी है, जबकि अब पांचवें, छठे और सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार अब जोरों पर है। वहीं आपको बता दें कि पांचवें चरण की वोटिंग के लिए इस वक्त तेजी के साथ सियासी दिग्गजों की तरफ से किया जा रहा है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार चुनावी रैलियों में विपक्ष पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के बाराबंकी में थे, जहां पर उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी के कामों की तारीफ की। सब टीवी वाले गांव-गांव जाते हैं, लोगों से पूछते हैं और जब लोग कहते हैं कि ये मिला है तो जो टीवी वाला है ना जरा खरोदता है, नहीं ले लेकिन उसका क्या। तो फिर नागरिक बोलता है हाँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो फिर टीवी वाले अगर जिसको पिछले 20 साल से मेरे जैसे लोग पसंद नहीं है वो उसका अर्थ निकालते हैं, देखो लोगों को कुछ मिला नहीं है। लेकिन मैं उसमें से दूसरा अर्थ निकालता हूं, मैं देखता हूं कि मैंने आज देश में एक वातावरण पैदा किया है जिस वातावरण से लोगों की चाह बढ़ी है, उनको लगता है इतना तो हुआ और अधिक होना चाहिए, इतना तो हुआ और अधिक होना चाहिए। और लोग पहले तो कहते ही नहीं थे, पहले तो ये कहते थे भाई क्या करें, हम तो गरीब के घर में पैदा हुए, ये इलाका ही ऐसा है, लोग ये चलो भाई भगवान ने जन्म दिया गुजारा कर लेंगे। आज ऐसा नहीं कह रहे हैं, मुझे गर्व है मेरे देशवासी कह रहे हैं हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, क्योंकि उनको मोदी पे भरोसा है। भाइयों और बहनों, यूपी का सामर्थ्य बढ़ाने में यहां की 10 करोड़ से अधिक हमारी बहनों बेटियों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हमारी बेटियां हमारी बहनें जकड़ करके रहेगी, बंधन में रहेगी, उनका जीवन अगर मुसीबतों से भरा रहेगा तो यूपी तेज विकास की गति प्राप्त नहीं कर सकता। जब माताओं बहनें बेटियों का सामर्थ्य बढ़ता है तो परिवार का, समाज का, देश का सामर्थ्य बढ़ता है। हमारी बहनों बेटियों की जिन समस्याओं को इन लोगों ने छोटा समझा उनको ही मोदी ने छोटा नहीं समझा। बहन बेटियों की, माताओं बहनों की मुसीबतें ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। साथियों, 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं ने कैसे मुस्लिम बेटियों को, पूरे परिवार को असुरक्षित कर दिया था ये सब जानते हैं। और जो दावा करते हैं कि वो तो परिवार वाले हैं उसमें बुरा क्या है, हम परिवार वाले हैं इसलिए परिवार का दुख जानते हैं, मैं जरा घोर परिवारवादियों से पूछता हूं, आप अगर परिवार के इतने गुणगान गाते हो तो आपको ये मेरी मुस्लिम बेटियों के दर्द की चिंता क्यों नहीं हुई, मेरी मुस्लिम बेटियों बहनों को छोटे छोटे बच्चे लेकर के पिता के घर लौटना पड़ता था,
तब तुम्हें परिवार का दर्द क्यों समझ नहीं आया? हम परिवार वाले नहीं हैं, लेकिन हर परिवार के दर्द को पहचानते हैं। भाई और बहनों, हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। हमारे एक किसान साथी फल सब्जी उगाते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है। भाइयों बहनों, हम सत्ता में आए उसके पहले आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, उसके पहले क्या कभी भी आपके कानों पे किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल लीडर के मुंह से छोटे किसान इस शब्द भी सुना था क्या? सुना था क्या? इस देश में 80-90% छोटे किसान है, लेकिन देश के राजनेताओं को, देश की सरकारों को छोटे किसानों की परवाह नहीं थी। भाइयों, जिसके पास 1 हेक्टर से भी ज्यादा जमीन नहीं है, छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, वो भी परिवार बढ़ता है तो बढ़ जाता है, उन छोटे किसानों की चिंता इस देश में एक भी सरकार ने नहीं की थी। पहली बार आज मैं छोटे किसानों के लिए लड़ रहा हूं। भाइयों, यूपी के लोगों का विकास भारत के विकास को गति देता है। यूपी के लोगों का सामर्थ्य भारत के लोगों का सामर्थ्य बढ़ाता है। लेकिन भाइयों और बहनों, यूपी में इतने दशकों तक जिन घोर परिवारवादियों की सरकारें रही, उन्होंने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। इन घोर परिवारवादियों ने यूपी के लोगों को कभी खुलकर अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर ही नहीं दिया। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ता भी जी जान से इस वक्त जुटे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में पहुंचकर गोरखपुर जिला और महानगर के चुनाव संचालन समिति के पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की और सभी सीटों पर जीत को लेकर मंथन किया गया। जहां तक विकास का सवाल है, सारे प्रदेश में एक नई बहार के साथ विकास हुआ है, और विकास की जब मैं बात करता हूं तो मुझे खुशी है कि अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में यहां बन रही है, गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन करके तैयार हो गया है और वो शुरू हो गया है, ओपीडी चालू हो गई है। मैं आपके सामने ये डबल इंजन की सरकार का उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि उस समय स्वास्थ्य मंत्री मैं ही था, और 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम यहां ऑल इंडिया से मेडिकल साइंसेज खोलेंगे। 2014 से लेकर 2017 तक अखिलेश जी ने जमीन के मामले को लेकर के इसको लटकाया, भटकाया, अटकाया, और अपने विधायकों के प्रेशर में आकर के इस काम को नहीं किया। मैं उनसे पर्सनली भी मिला था। ये सपना साकार हुआ जब योगी जी आए, जमीन दी गई, और आज ऑल इंडिया शो मेडिकल साइंसेज आपके सामने विद्यमान है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हाउ डस वोट पैटर्न डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ द एरिया, उसका जीता जागता प्रमाण फर्टिलाइजर फैक्ट्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर जनसभा आयोजित की, जहां पर जनसभा में समाजवादी पार्टी को उन्होंने जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि नाम समाजवादी और काम आतंकवादी का है। वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, बिजनौर में आतंकी घटनाएं हुई थी। डबल इंजन की सरकार ने आतंकियों को अब मुंह तोड़ जवाब दिया है।
भाइयों बहनों, अवैध बूचड़ खानों को 24 घंटे के अंदर बंद करवाने का कार्य किया था प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने। अब सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार का पहला फैसला क्या था, जानना चाहेंगे? ये जो बबुआ की सरकार आई थी ना, इन्होंने पहला काम क्या किया था? पहला काम किया था, जिन आतंकवादियों ने अयोध्या पर हमला किया था, राम जन्मभूमि पर हमला किया था, उनके मुकदमों को वापस लेने का काम किया था इन्होंने। जिन्होंने काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था, कहते हैं काशी का संकट मोचन मंदिर, जहां पर बैठ करके संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया था, जहां पर साक्षात बजरंग बली ने दर्शन दे करके कहा था यहां पर भगवान राम की गाथा को लिखिए, भगवान शिव की प्रेरणा है, ये अवधी भाषा में लिखी जानी चाहिए। और भाइयों बहनों, वह संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला हो और हम बर्दाश्त करते हैं, 28 निर्दोष लोग मारे गए थे और समाजवादी पार्टी की उन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुछ चेष्टा करती है। चेरियों पर हमले हुए थे अयोध्या में, लखनऊ में, वाराणसी में, दर्जनों अधिवक्ता मारे गए थे, उन मुकदमों को वापस लेने का काम करती है समाजवादी सरकार। समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ, यानी अगर आपको देखना है तो भाइयों बहनों, नाम समाजवादी, काम आतंकवादी, और प्रदेश में दंगा कराना, कर्फ्यू लगाना, भय व्याप्त करना, यही तो समाजवादी पार्टी का कार्य रहा है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे आपका आह्वान करने के लिए। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान पूरा हो चुका है, ऐसे में अब तक हुई वोटिंग को लेकर तमाम सियासी दल अपनी जीत की दावेदारी पेश करने में लगे हुए हैं। वहीं यूपी चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत की गई। मीडिया से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने बीजेपी की जीत का दावा पेश किया। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश फिर चाहती है, और मैं तो कहूंगा चौथे चरण के बाद यूपी का यही है जनादेश। नहीं आ रहे अखिलेश, नहीं आ रहे अखिलेश। जो हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाए वो सात चरणों के बाद सेंचुरी भी कहां लगाएंगे? पिछली बार का रिकॉर्ड देख लीजिए, इस बार तो करहल भी हार जाएंगे, हिट विकेट हो चुके हैं। जो कहते थे मैं आऊंगा, नॉमिनेशन करूंगा, फिर मतदान करने ही आऊंगा, उनको चार रातें भी वही बितानी पड़ी, नेताजी को भी लाना पड़ा। ये स्पष्ट दिखाता है कि बैकफुट पर है अखिलेश, नहीं आ रहे अखिलेश, नहीं आ रहे अखिलेश। वही यूपी के कौशाम्बी जिले की हॉट सीट सिराथू और चायल विधानसभा में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उम्र जन सैलाब को देखकर अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ वाली घबराहट ठीक है, यहाँ के नेता नहीं आ रहे तो बाहर के नेता बुलाए जा रहे हैं। चायल विधायक को आड़े हाथों लेते हुए अखिलेश ने कहा कि यहाँ का विधायक सबसे बड़ा भूमाफिया है, सरकार बनी तो उसकी जमीन की रजिस्ट्री कराकर जांच की जाएगी। ये बाबा जी की सरकार तो आपने देख ली, आपने बाबा जी की सरकार देख ली कि नहीं देख ली? हमारे नौजवानों का 5 साल बर्बाद कर दिया। यहां हमारे किसान भाई होंगे, मजदूर भाई हैं, माताएं बहने हैं, बताओ इस सरकार ने झूठ बोला कि नहीं बोला? इन्होंने जितने भी वादे किए, भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला कि नहीं निकला? और देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जिसने जनता को इतना धोखा दिया हो। इधर इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, इनके नेताओं के भाषण आपने सुने होंगे, ये नेता न जाने क्या बोल रहे हैं।
और इनके छोटे नेता जो हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। हमारे किसानों को बताओ अपने खेत बचाने के लिए तार लगाने पड़ रहे हैं, गौशाला में भूखी गाय मर रही है, और बताओ खेत हमारे चौपट हो रहे हैं सांडों से क्या नहीं हो रहे। ये बजट का पैसा लूट लिए, पूरा बजट का पैसा लूट लिए, बताओ गाय मां भूखी है कि नहीं है। और इनकी सरकार में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, और वो समय याद कीजिए जिस समय इन्होंने कहा था कि गरीब जो चप्पल पहनने वाला है वो हवाई जहाज में चलेगा, और जब से इनकी सरकार आई है डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया, पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया। इनकी सरकार अगर आ गई तो हो सकता है पेट्रोल 200 रुपए बिक जाए। हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि 5 साल आपके खराब हुए इंतजार में कि अब नौकरी मिल जाएगी, अब रोजगार मिल जाएगा, लेकिन इस सरकार ने नौकरी और रोजगार नहीं दिया। इसलिए मैं गर्मी निकालने वालों को कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी निकाल करके नौजवानों का भाग्य बनाने का काम करेंगे। हमें फौज में नौकरी निकालना पड़े, पुलिस में नौकरी निकालना पड़े, और चाहे 11 लाख जो उत्तर प्रदेश के सरकार के पद खाली है चाहे उन पदों को भरना पड़े, हम अपने नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे। अपने नौजवानों ने पढ़ लिया होगा कि हमने अपने घोषणा पत्र में लिख दिया है जहां ये बीएड टेट वाले लोग हैं हमें जगह जगह आभार प्रकट कर रहे हैं, उन्हें हम भरोसा दिला के जा रहे हैं कि बीएड टेट वालों को जो 2011 के हैं उनको समायोजित कर करके उन्हें नौकरी देने का काम होगा। शिक्षा मित्रों को नौकरी देंगे, ये जो आउटसोर्स कर करके हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें अधिकार दिया आरक्षण दिया उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आने वाले समय में आउटसोर्स की व्यवस्था खत्म कर करके अपने नौजवानों को परमानेंट नौकरी देने का काम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चौथे चरण का मतदान हो चुका है, लगभग 59 सीटों पर वोटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। वहीं पर अब अगले चरणों को लेकर लगातार चुनाव प्रचार जो है वो जारी है। कांग्रेस भी अब इस कड़ी में पीछे नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अमेठी के जगदीशपुर में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने भाजपा पर महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा। मैं रोजगार के बारे में कुछ बताती हूँ आपको। 12 लाख रोजगार सरकारी पद 12 लाख खाली पड़े हैं। 5 साल बीत गए, योगी जी की सरकार रही, केंद्र में मोदी जी की सरकार रही, 5 साल बीत गए, खुद कहते हैं कि 4 लाख रोजगार की उन्होंने एप्लीकेशन खोले हैं और 4 लाख से कम ही रोजगार दिलवाए हैं। ठीक है, जब पिछला चुनाव था तो कहते थे 70 लाख रोजगार दिलवाएंगे। सच्चाई यह है कि 12 लाख पद खाली है, उनमें से मात्र 4 लाख की एप्लीकेशन भी खोले गए हैं और बाकी सारे खाली के खाली पड़े हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में आपको 12 लाख बेरोजगार नौजवान नहीं मिले? मुझे तो हर मीटिंग में मिलते हैं, इस मीटिंग में हजारों होंगे। तो उन्होंने रोजगार नहीं बनाए, अच्छा ठीक है, सरकारी पद नहीं भरे, रोजगार बनाने के और माध्यम होते हैं जैसे BHEL जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं, HAL, NTPC जो अमेठी रायबरेली दोनों में लगवाई थी कांग्रेस पार्टी ने, इनका क्या कर रहे हैं? कुछ को बेच डाले, कुछ बेचने की योजना कर रहे हैं, रेलवे, BHEL, NTPC, नाम लीजिए बेचने की योजना हो रही है या तो बिक गए। किसको बेचे?
अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है मेरी बहनें। यहाँ कितने का आता है कड़वा तेल? यहाँ 220, परसों में कहीं और थी वहां 240 हो गया। एक दिहाड़ी कितनी है? एक दिहाड़ी से एक भी बोतल नहीं मिल रही है, मुश्किल से एक बोतल मिल जाती है। पेट्रोल डीजल के दाम किस हद तक बढ़ गए हैं? बिजली की बिल कितनी बड़ी बड़ी आती है? तो महंगाई से मार रहे हो आप जनता को। आजकल मैंने अखबार में पढ़ा कि चुनाव के बाद गैस सिलेंडर के दाम और बढ़ जाएंगे, और सरकार क्या कहती है? कहती है हमने आपको एक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया है। देखिए सरकार कहती है, देखिए कोरोना के समय से आपको एक बड़ा राशन मिलता है, आप खाता खोल दीजिए, आपको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।